सब्सक्राइब करें इंडियन टेक गुरुकुल चैनल को, साथ में प्रेस करें बेल आइकन सबसे पहले बेस्ट टेक वीडियोस देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इंडियन टेक गुरुकुल में। दोस्तों आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं टॉप क्रोमबुक्स के बारे में, जो कि आपको अंडर 30,000 रुपीज देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आपको मैं 20 से 30,000 रुपीज के बीच में जो भी अच्छी क्रोमबुक देखने को मिल जाती है, बहुत सारी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले शुरुआत करते हैं टच स्क्रीन क्रोमबुक से, जो कि जिसके अंदर आपको टच स्क्रीन का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो टच स्क्रीन के मामले में जो अच्छा काम किया है वो एक तरह से आपको एचपी की तरफ से देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले एचपी की क्रोमबुक लूंगा। सबसे पहली क्रोमबुक के बारे में बात करें जिसका नाम आपको देखने को मिल जाता है एचपी क्रोमबुक 11A। इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करें तो दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिल जाती है 11.6 इंच की एक एचडी प्लस डिस्प्ले, जो कि दोस्तों यहां पर आपको 250 की पीक ब्राइटनेस के साथ देखने को मिल जाती है। बाकी दोस्तों इसके प्रोसेसर की बात करें तो यहां पर आपको मीडियाटेक की तरफ से आने वाला 8186 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो कि दोस्तों एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। और इसकी परफॉर्मेंस आप मान सकते हैं कि मीडियाटेक के G90T के बराबर इसकी ऑलमोस्ट आपको परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी। तो इसके रैम एंड स्टोरेज की बात करूं तो यहां पर आपको 4GB की रैम देखने को मिल जाएगी, 64GB की इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाएगी, जिसको आप फर्दर एक्सपेंड कर सकते हैं मेमोरी कार्ड की मदद से अप टू 256GB तक। तो यहां पर इस टाइप से आपको स्टोरेज देखने को मिल रही है। और दोस्तों इसकी बैटरी लाइफ की बात करूं तो यहां पर आपको अप टू 12 आवर्स तक की बैटरी लाइफ का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो क्रोमबुक्स में जनरली बैटरी जो होती है वो काफी अच्छी देखने को मिल जाती है। तो इस टाइप से एचपी की 11A देखने को मिल जाती है। बाकी दोस्तों अगर आप सारी क्रोमबुक्स की डिटेल्स में स्पेसिफिक जानना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्योंकि इस वीडियो में सारी स्पेसिफिकेशन कवर करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि मेरे को बाकी क्रोमबुक्स के बारे में बताना है। तो ये फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करती है और यहां पर आपको क्रोम ओएस तो देखने को मिल ही जाता है। तो इस टाइप से ये एचपी की पहली क्रोमबुक देखने को मिल जाती है 11A। इसकी प्राइसिंग की बात करूं तो ये आपको 23,000 रुपीस की देखने को मिल जाती है नॉर्मल डेज में। अगर आप इसको सेल वगैरह के दौरान खरीदेंगे तो ये आपको 21 से 22 हज़ार रुपीस में देखने को मिल सकती है। तो एक अच्छा ऑप्शन है, आप चाहे तो इसको बाय कर सकते हैं। दोस्तों एचपी की अगली क्रोमबुक के बारे में कर लेते हैं। इसके अंदर आपको देखने को मिल जाती है दोस्तों 14 इंच की एक फुल एचडी प्लस डिस्प्ले। अब दोस्तों ये डिस्प्ले फ्लिप भी हो सकती है और आप इसको एज ए टच स्क्रीन भी यूज कर सकते हैं। तो इसमें जो ये फ्लिप वाला फीचर है काफी अच्छा है। और दोस्तों ये टच स्क्रीन डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाती है 14 इंच की। तो ओवरऑल काफी अच्छी यहां पर आपको डिस्प्ले दी गई है। बाकी दोस्तों प्रोसेसर की बात करूं तो यहां पर आपको इंटेल की तरफ से आने वाला ड्यूल कोर प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। बाकी दोस्तों इसके अंदर आपको 4GB की रैम, 64GB की इंटरनल स्टोरेज का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जिसको फर्दर एक्सपेंड कर सकते हैं अप टू 256GB तक। बाकी दोस्तों यहां पर भी आपको बैटरी जो है अप टू 12 आवर्स तक की बैटरी लाइफ का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो अच्छी खासी बैटरी लाइफ यहां पर आपको देखने को मिल जाए। इसके अंदर टाइप सी पोर्ट वगैरह ये सारी चीजें तो दी ही गई है। बाकी दोस्तों इसकी प्राइसिंग की बात करें तो ये आपको 27,000 रुपीज की देखने को मिल जाएगी नॉर्मल डेज में। अगर आप सेल वगैरह के दौरान खरीदेंगे तो आप मान के चलिए 1 से 2 हज़ार रुपीज का आपको आराम से डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अमेजोन की सेल स्टार्ट होने वाली है, वहां से आप चाहे तो इसको चेकआउट कर सकते हैं। तो हो गई टच स्क्रीन क्रोमबुक्स की बात, यहां पर आपको टच स्क्रीन का सपोर्ट देखने को मिलता है। लेकिन अब जो क्रोमबुक्स के बारे में बताने वाला हूं मैं, इनके अंदर टच स्क्रीन का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता, ये नॉर्मल आपको एज ए लैपटॉप देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों आप चाहे तो अगर आपकी प्रेफरेंस है कि आप विदाउट टच स्क्रीन वाला बाय करना चाहते हैं तो आप ये भी बाय कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले नंबर आता है लिनोवो क्रोमबुक का। तो लिनोवो क्रोमबुक 14E देखने को मिल जाती है। इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करें तो यहां पर आपको 14 इंच की एक फुल एचडी प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। बाकी दोस्तों प्रोसेसर की बात करें तो यहां पर आपको एएमडी की तरफ से आने वाला प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो कि दोस्तों ड्यूल कोर प्रोसेसर यहां पर यूज किया गया है। बाकी दोस्तों यहां पर आपको 4GB की रैम का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, 64GB की यहां पर आपको इंटरनल स्टोरेज दी गई है। और बैटरी की बात करें तो यहां पर आपको अप टू 10 आवर्स तक की बैटरी लाइफ का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। और दोस्तों ये एक नॉन टच स्क्रीन एक तरह से आपको देखने को मिल जाती है डिस्प्ले, तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। दोस्तों यहां पर सारे पोर्ट्स तो दिए ही गए हैं। और इसकी प्राइसिंग की बात करूं तो ये आपको 25,000 रुपीज की अप्रोक्स देखने को मिल जाएगी नॉर्मल डेज पर। अगेन यहां पर आप सेल्स वगैरह में इसकी प्राइसिंग थोड़ी कम हो जाएगी, 1-2 हज़ार रुपीज का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। तो आप चाहे तो लिंक से चेकआउट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ और क्रोमबुक्स के बारे में जो कि आपको एसूस की तरफ से देखने को मिल जाती है। तो पहली एसूस की क्रोमबुक के बारे में बात करते हैं, जिसकी प्राइस आपको अप्रोक्स 18,000 रुपीज देखने को मिल जाती है, जो कि सेल वगैरह के दौरान आप इसको 15,000 या 16,000 में बाय कर सकते हैं। इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करें तो यहां पर आपको देखने को मिल जाती है 11.6 इंच की एक एचडी प्लस डिस्प्ले। बाकी दोस्तों ये जो प्रोसेसर यूज किया गया है वो यहां पर आपको इंटेल का सेलेरॉन वाला जो प्रोसेसर आता है ड्यूल कोर, वो यूज किया गया है। और दोस्तों
दोस्तों यहाँ पर रैम एंड स्टोरेज की बात करूं तो यहाँ पर आपको 4GB की रैम देखने को मिल जाती है, 32GB की इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाती है, जिसको आप फर्दर एक्सपेंड कर सकते हैं मेमोरी कार्ड की मदद से अप टू 256GB तक। ऐसे यहाँ पर आपको रैम एंड स्टोरेज देखने को मिल जाती है। बाकी दोस्तों इसके अंदर आपको अप टू 10 आवर्स तक की बैटरी लाइफ का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। टाइप सी पोर्ट दिया गया है जिसके थ्रू आप चार्ज भी कर सकते हैं और एक्सटर्नल डिस्प्ले वगैरह को कनेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों इसके अंदर एक इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिल जाती है, यहाँ पर आपको गूगल की जो टाइटेनियम चिप सिक्योरिटी है उसका सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको जो सिक्योरिटी है वो काफी अच्छी दी गई है, ये चीज मेरे को काफी अच्छी लगी Asus Chromebook में। इसकी प्राइसिंग जैसे कि मैंने आपको बता दी है, ये अप्रोक्स आपको 17,000 से 18,000 रुपीस में देखने को मिल जाएगी नॉर्मल डेज पर। बाकी दोस्तों इसी का आपको एकदम फर्दर वेरियंट्स देखने को मिल जाते हैं जिनमें बाकी सारी स्पेसिफिकेशन सेम है, बस उसके अंदर आपको जो 14 इंच वाला मॉडल है वो अप्रोक्स आपको 22,000 रुपीस का देखने को मिल जाता है, और यहाँ पर जो 15.6 इंच का मॉडल है वहां पर आपको फुल एचडी प्लस डिस्प्ले देखने को मिलती है, वो अप्रोक्स आपको 23,000 से 24,000 रुपीस का देखने को मिल जाएगा। वो सारी की सारी स्पेसिफिकेशन सेम देखने को मिल जाएगी, वो डिस्प्ले साइज में फर्क है। तो आप चाहे तो अपनी एक पोर्टेबिलिटी के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार जितनी बड़ी डिस्प्ले चाहते हैं वो आप खरीद सकते हैं। बाकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जहां से आप सारी क्रोमबुक्स को चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों यही सारी क्रोमबुक्स जो है बेस्ट अवेलेबल है मार्केट में, इनमें से आप कोई एक चूज कर सकते हैं। अब वो आपके ऊपर है कि आपको विदाउट टच स्क्रीन चाहिए फिर टच स्क्रीन चाहिए, तो इस टाइप से क्रोमबुक देखने को मिल जाती है बेस्ट इंडियन मार्केट में। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आए तो उसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू।